देश की सेना बोलती है भारत माता की जय। जब घर में हम लोग पूजा करते हैं तब पंडित जी बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे। जब हम नागरिक के रूप में राष्ट्रगान गाते हैं तो बोलते हैं भारत भाग्य विधाता। यहाँ तक कि जब किसी को देश का सर्वोच्च पुरस्कार देना होता है तो भारत रत्न देते हैं। और तो और हम अपने देश को गर्व से भारत माता कहकर बुलाते हैं। फिर भारत नाम से INDIA वाले ठगबंदियों को समस्या क्यों हो रही है? देश में जब भी अंग्रेजों की छोड़ी हुई कोई भी छाप मिटाने की बात होती है तो सबसे पहले कांग्रेसियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इस बार भी एक कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ही सबसे पहले इस मुद्दे पर बखेड़ा खड़ा किया, जबकि वो पिछले 20 साल से ज्यादा समय से राजनीति में है। उसके बावजूद उनको इतना ही नहीं पता है कि ये कदम संवैधानिक भी है और देश के लिए सही है। अगर जयराम रमेश को नाम बदलने से इतनी ही समस्या हो रही है तो वो सोनिया गांधी से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने इटालियन नाम से हिंदी नाम क्यों बदला? वो राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते हैं कि जब विदेश पढ़ने गए तो उन्होंने अपना नाम क्यों बदल लिया था? राजनीतिक पार्टी बदल सकती है देश का नाम? कुछ कांग्रेसी चमचे पत्रकारिता का चोला ओढ़े ये सवाल उठा रहे हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी देश का नाम कैसे बदल सकती है। हाँ, उनकी बात सही है, राजनीतिक पार्टी नहीं बदल सकती है, लेकिन अगर वो पार्टी जो सत्ता में है यानी कि देश की जनता ने चुनकर उसे सत्ता में बैठाया है तो संविधान के कुछ नियमों का पालन करते हुए नाम बदल सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने खुद इस बात पर मुहर लगा दी थी। सरकार कुछ ऐसे बदल सकती है नाम? सरकार को नाम बदलने के लिए बस संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करना होता है। अनुच्छेद 368 इसकी इजाजत देता है। अगर देश की सरकार अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना चाहती है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो चाहे तो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए सरकार को एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। अंग्रेजों का दिया नाम वर्सेज देशों का ओरिजिनल नाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विपक्ष को नाम बदलने से आखिर परेशानी क्यों हो रही है? जब श्रीलंका और म्यांमार जैसे छोटे देशों ने ब्रिटिशों के दिए नाम को बदलकर छुटकारा पा लिया तो फिर भारत जैसे देश को अंग्रेजों का दिया नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्या नाम बदलना देश के साथ गद्दारी है? दिल्ली के फ्रीबी राजा केजरीवाल जो IRS अधिकारी रह चुके हैं उनको भी भारत नाम से परेशानी है। देश का नाम भारत रखना इनको देश के साथ गद्दारी लगता है। ये वो व्यक्ति है जिसने संविधान की शपथ ली है लेकिन इतनी सी बात नहीं पता है कि संविधान में नाम बदलने का प्रावधान है। असल में बात ये है कि इन लोगों को देश का गौरव बढ़ाने वाली हर चीज से दिक्कत है। इनको वंदे मातरम से दिक्कत है, कर्तव्य पथ से दिक्कत है, राम मंदिर से दिक्कत है, जय श्री राम से दिक्कत है, अब इनको भारत नाम से दिक्कत है। 2024 के चुनाव परिणाम ही इन्हें बताएंगे कि असल में जनता को इनसे कितनी दिक्कत है।